जनहितैषी। टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। जिवें कि तुहानू सब नू पता ही होएगा कि जिहड़ा डेंगू की बीमारी है वह काफ़ी फैल रही है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड इदां दीआं बीमारियां जिहड़ियां इस वेले बहुत ज़्यादा फैल रही ने। इस दे विच लोकां नू जिहड़ा इह है कि असी घरों तों बाहर ना निकलीए, जिथे गंदा पानी खड़ा होवे असी ओह जगह दे उत्ते ना जाइए। सो मौजूदा लुधियाणा दे सिविल हॉस्पिटल दे विच तुसीं देख सकते हो हालात जिहड़े इस वेले दे तुहानू दिखा रहे हैं, किस तरीके दे नाल जिहड़ा सीवरेज इत्थे बैक मारिया होया वा। बिल्कुल तुहानू लाइव तस्वीरां इस वेले दे दिखा रहे हैं लुधियाणा दे सिविल हॉस्पिटल दीआं, जिथे कि पानी देख सकते हो तुसीं किस तरीके दे नाल जिहड़ा पानी उरे खड़ा वा, काफ़ी गंदा पानी है उरे ते मच्छर जिहड़े ने काफ़ी इत्थों पैदा हो रहे ने। एक पासे तां जिहड़े ने हैल्थ मिनिस्टर ये कहिंदे ने कि डेंगू की बीमारी तो जिहड़ा है वह बचो, दूसरे पासे तुसीं सरकारी हॉस्पिटल का हाल देख सकते हो कि इदां दे जिहड़े सरकारी हॉस्पिटल के इदां दे हालात होण तां लोग जिहड़े ने वह कित्थे जाण। लोगों नाल भी गलबात करते हैं, उन्होंने भी जानते हैं उन्होंने कि जिहड़े उरे पानी इस वेले इदां दा देख रहे ने सिविल हॉस्पिटल दीआं जिहड़ियां होर भी काफ़ी जिहड़ियां सहूलतां ने उसनूं किस तरीके नाल देखदे ने। सति श्री अकाल जी। सति श्री अकाल। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम परविंदर सिंह है जी। जैसे पानी उरे खड़ा होया, देखो तुसीं किन्ना ज़्यादा पानी खड़ा होया उरे, है ना, गंदा पानी है ते एक पासे डेंगू दी बीमारियां फैल रही ने, की कहना चाहोगे? भाजी जी इत्थे ते तुहानूं की दसीए कि इत्थे ते जिहड़े पेशेंट्स आ उन्हां वास्ते लैटरिन बाथरूम भी खुले नहीं रहिंदे, उहदे विच भी लॉक ला दिंदे ने। बंदा जावे तो जावे कित्थे, लेडीज़ जावे तो जावे कित्थे जी। जी ते हुण इहनां दे जिहड़े मेन डॉक्टर साहब ने जे उत्ते वाले जिहड़े बंदे ने उन्हां नूं वेखना चाहिए ये हालात कि आके देखण कि चल रहा वा इत्थे, की नहीं चल रहा, की प्रॉब्लम आ पेशेंट्स नूं आ रही, उन्हां दे नाल जिहड़े बंदे आ उन्हां नूं की नाल, अगर कोई डिलीवरी केस आ ते अगर वह जाते आ ते वह सारे तों वड्डी प्रॉब्लम इत्थे लैटरिन ते बाथरूम दी आ। उत्ते ताले लगदे ने, ताले ला के जाते ने, लेडीज़ वास्ते सौच की बड़ी प्रॉब्लम आ और बंदा वास्ते जेंस वास्ते लोग भी काफ़ी परेशान ने कितना कि बीमारियां जड़ियां ने। असी हॉस्पिटल च आने इलाज करवा बीमारियां दा, पर अगर इस तरीके दे हॉस्पिटल दे विच असी आवांगे तां बीमारियां असी होर घरे लैके जावांगे। लोगों नाल गलबात भी कर लेने। सति श्री अकाल जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद सनाउल्ला। डेंगू फैल रहा है और सिविल हॉस्पिटल में लोग इलाज करवाने आते हैं, तो ये इस हालातों में अगर आएंगे तो बीमारियां घर नहीं लेके जाएंगे? सही गल है, ये तो साफ सुथरा होना चाहिए। बिल्कुल बात तो सही है जी। अब पानी है रुका हुआ है, उसको नाला सफाई करवाए, उसको सही करवाए जी, तभी काम होगा सही जी। उसको जो भी है जिम्मेवारी उसको होना चाहिए, कराना चाहिए जी। कितने समय से हॉस्पिटल आ रहे हो इलाज करवाने? ये हो गया अपना है तो बहुत दिन से, मैं आता रहता हूँ बराबर। पानी मैंने 2 महीना से देख रहा हूँ, ऐसे तो बीमारी तो होना ही है, इस गंद पे बीमारी होता ही है, बीमारी तो होना ही है। बीमारी भी अगर तो चारा नहीं है, साफ सुथरा हो तो बीमारी ना हो, साफ सुथरा भी होना जरूरी है। मच्छर होते हैं गंद, हाँ वो बात सही है, ये भी बात सही है, और सफाई होना चाहिए अस्पताल में जो भी है, सफाई सुथरा और होना चाहिए। हालात तो खैर अच्छे नहीं कह सकते इन्हों, क्योंकि जिस तरह पानी खड़ा हो रहा, जिस तरह कोरोना का चल रहा, तो उस तो बाद हम डेंगू के केसिस जिदा अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग एक हॉस्पिटल के अंदर साफ सफाई का जो ध्यान होना चाहिए वो है नहीं जी। कितना कितना किसको जिम्मेवार ठहराने इस प्रशासन की जिम्मेदारी है जी। सरकारी हॉस्पिटल है, सरकार की लुधियाना म्यूनसीपल कौंसल की जिम्मेदारी है इस चीज़ को सही करने की। कितना कितना गरीब बंदा होंदा है कि आपां सरकारी हॉस्पिटल दे विच जाके इलाज कराइए तो घट पैसों के इलाज होवे, अगर हॉस्पिटल दे विच इदां दी गंदगी मिलेगी बीमारियां तो उल्टा घरे लैके जाणगे। बिल्कुल 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 जी, क्योंकि जो एक पेशेंट नूं लैके आए ने नाल उहदे 2-4 रिश्तेदार ने जी, उहनां दे सौण दी व्यवस्था जी, इत्थे रात नूं किस तरह पेशेंट्स दे रिलेटिव सौंदे ने जी, इक शराम बनी हुई है उपर इहनां दी पेशेंट्स दे रिलेटिव्स के रुकन लई जी, उहनूं उहनां ने बंद कर रख्या वा जी, ते उह खुले च सौणगे, इस पानी तों मच्छर पैदा होऊगा, डेंगू दे मरीज होर वधणगे जी। ध्यान देण दी लोड़ तां हैगी है, इह सरकारां दी जिम्मेदारी है। सो तुसीं देख सकते हो इत्थे गंदगी इन्नी ज़्यादा है, स्मैल इन्नी ज़्यादा, मैनूं भी मास्क पाउण नूं मजबूर कर दिता वा, जिथे कि तुसीं देख सकते हो पेशेंट्स का की हाल हुंदा होएगा, इन्नी ज़्यादा गंदगी है उरे तुसीं देख सकते हो, चूहे तक मरे हुए ने। तुसीं देख सकते हो किस तरीके दे जिहड़े सिविल हॉस्पिटल दे लुधियाणा दे हाल है। सो असीं इही अपील करते हाँ एस एम ओ मैडम नूं भी कि कितना कितें सफाई वाल भी जिहड़ा उह ध्यान दिता जावे, तां कि पेशेंट्स जिहड़े ने उह सहूलत उहनां नूं सहूलतां मिल सकण। कई पेशेंट्स दा इह वी कहना है कि कितना कितें जिहड़े वॉशरूम्स ने उहनां नूं ताला लगा दिता जांदा है। सो लेडीज़ नूं भी काफ़ी परेशानी आती है कि जिहड़ी
लेडीज़ ने कितने वॉशरूम जान। सो इदा दियां होर अपडेट्स जुड़े रहो जन हितेशी दे नाल, मैं अंकित वर्मा कैमरामैन प्रिंस दे नाल।